प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम यानी CFS की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति को चिकित्सक की सहायता से इच्छा मृत्यु हेतु यूरोप जाने से रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। चलिए जानते हैं कि CFS क्या है। इसका पूरा नाम क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है। यह एक गंभीर और जटिल बीमारी है। इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। यह तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली तथा शरीर के ऊर्जा उत्पादन तंत्र को प्रभावित करती है। इसमें शारीरिक व मानसिक कमजोरी और थकान महसूस की जाती है। इसे मायल्जिक एन्सेफेलोमायलिटिस के तौर पर भी जाना जाता है। इसके संभावित परिणाम वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, हार्मोनल संतुलन और आनुवांशिक दोष है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसके कारणों की बात करें तो इसमें शामिल है वायरल इन्फेक्शन, हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव। चलिए अब जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। कार्य करने की क्षमता में काफी कमी महसूस होना। इस प्रकार की थकान या दुर्बलता वाली बीमारी के 6 महीने से अधिक होने पर स्थिति अधिक गंभीर होना। सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य लक्षण पोस्ट एक्सर्शनल मलाइज यानी PEM है, यानी सामान्य छोटी मोटी खरीदारी या दांतों को ब्रश करने जैसी छोटी गतिविधियों के बाद शारीरिक या मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस होना। अन्य लक्षणों की बात करें तो इसमें शामिल है नींद आना, सोचने में कठिनाई, याददाश्त या ध्यान केंद्रित करने में समस्या आना, चक्कर आना, हल्का सिरदर्द या अधिक सिरदर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या फिर फ्लू जैसे लक्षण, टेंडर लिम्फ नोड्स और पाचन संबंधी समस्याएं भी इसके लक्षणों में शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं कि CFS नाम की इस बीमारी के क्या क्या उपचार हैं। इस बीमारी के लिए कोई विशेष प्रकार की जांच या टेस्ट उपलब्ध नहीं है। इसका निदान लक्षणों के आधार पर किया जाता है। डॉक्टर रक्त और मूत्र आदि की जांच के आधार पर इलाज प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टरों ने इससे निपटने के लिए पेसिंग जैसे तरीके सुझाए हैं, जिसमें रोगी आराम और गतिविधियों को संतुलित करना सीखते हैं। चलिए अब इस बीमारी से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। सक्रिय इच्छा मृत्यु की स्थिति में इच्छा मृत्यु चाहने वाले किसी व्यक्ति या रोगी को इस कृत्य में सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत रोगी को मरने के लिए इंजेक्शन या दवा देना शामिल है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में रोगी को जीवंत रखने वाली प्रणाली यानी जीवन रक्षक मशीन को हटा दिया जाता है। चलिए अब वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो प्रश्न है, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह गंभीर और दुर्बल करने वाली बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करती है। कथन दो है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।